हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अब आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा वक्त शेष नहीं रहा है और अब हर वो कैंडिडेट जो अपने एग्जाम को लेके थोड़ा भी सीरियस है उनका ज्यादातर फोकस होता है मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पे। आमतौर पे इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम जब किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं या उसके बारे में चर्चा करते हैं या डिस्कशन करते हैं और जब उनसे सवालों को निकाला जाता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो यूजुअली ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप पढ़िए उससे ज़्यादा आप चीज़ों को डिस्कस करिए और उससे ज़्यादा आप चीज़ों को प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कॉन्सेप्ट के हर कॉर्नर तक इजी वे में आपने अपनी पहुंच को मेंटेन किया है। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कुछ बेसिक सवालों को लेकर आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल आपके सामने निकल कर आया है वो है कि जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था या वो प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था। तो आमतौर पर यहाँ पर आपको यूजुअली तीन लोगों के नाम देखने को मिलेंगे। ये बात अलग है कि जो सबसे पहला नाम है वो सर स्टीफन का है, उसके बाद सर जेम्स फिट्स का नाम है और उसके बाद फिर जेम्स का नाम है। तो आमतौर पे अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है और वहाँ पे अगर आपको सर स्टीफन का नाम नज़र आता है तो आप उस पर आँख बंद करके टिक कर सकते हैं क्योंकि वाकई में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद जब हम दूसरे सवाल को देखते हैं तो आमतौर पे ये बात करता है कि साक्ष्य विधि के आधार निम्नलिखित सिद्धांत हैं। अब जाहिर सी बात है जब हम साक्ष्य विधि की बात करते हैं तो क्या साक्ष्य विवाद विषय तक ही सीमित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या अनुश्रुत साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए? आमतौर पर हम इसको ग्रहण करते तो हैं लेकिन ये थोड़ा सा कम रिलायबल होता है। अगर इसकी तुलना में हमें कोई और वैलिड साक्ष्य मिलता है तो हम उसको एडमिट कर लेते हैं। और तीसरा विकल्प है आपका कि सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए। तो जब हम इन तीन विकल्पों को देखते हैं तो हमें सबसे सही विकल्प तो सी नज़र आता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी अपनी जगह पर सही नहीं है। तो इस आधार पे यहाँ पे जब हम निम्नलिखित सिद्धांतों की बात करते हैं तो जो विकल्प चौथा है जो बात करता है उपर्युक्त सभी की, ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो जाहिर सी बात है जो आपका साक्ष्य विधि है वो एक प्रक्रिया की विधि है, बिल्कुल है। साक्ष्य विधि एक पूर्ण संहिता है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका जिक्र आपको इसके प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में देखने को भी मिलता है। और साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जहाँ पे जो आपका एक्ट या कंडक्ट पास्ट में किया गया है उसको भी रिलेवेंट कंसीडर किया जाता है। तो इस आधार पे भी ये तीनों के तीनों जो कथन हैं अपने आप में सत्यता की कसौटी पे पूर्ण रूप से खड़े उतरते हैं। उसके बाद एक सवाल आपसे और पूछा गया है कि आमतौर पे खोजी कुत्ते के साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन क्या है। तो आमतौर पे जब कुत्ते के द्वारा किसी खोज को खोजा जाता है या किसी एविडेंस को फाइंड आउट किया जाता है तो वो जो भी एविडेंस होते हैं वो ग्राह्य होते हैं लेकिन आमतौर पे उनका कोई बहुत ज़्यादा अधिक वजन नहीं होता है। लेकिन दूसरा विकल्प ये भी कहता है कि खोजी कुत्तों की गतिविधियों से संबंधित साक्ष्य ग्राह है क्योंकि इसकी विश्वसनीयता उन व्यक्तियों के परिसाक्ष की ग्राह्यता पर निर्भर करती है जिन्होंने कुत्ते को साधा हो और उनकी गतिविधियों एवं आचरण को देखा हो। तो आमतौर पे ये जो दूसरा विकल्प है वो ये कहता है कि जब हम बात करते हैं स्निफल डॉग्स की या खोजी कुत्ते की तो आमतौर पे इनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, इनका भी प्रॉपर बिहेवियर वगैरह सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और इनकी भी ट्रेनिंग एक कॉम्पिटेंट पर्सन के अंडर में ही कंडक्ट की जाती है। तो इस आधार पे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि विकल्प ए और बी दोनों के दोनों सही हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा खोजी कुत्ते के संदर्भ में।
उसके बाद एक छोटा सा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हेतु का साक्ष्य सुसंगत होता है वो किस धारा के अंतर्गत होता है। ये होता है धारा 8 के अंतर्गत, और आमतौर पे सेक्शन 5 से लेकर 55 तक के जो प्रावधान हैं, जो आमतौर पे रिलेवेंसी की बात करते हैं, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ मेंस के दृष्टिकोण से बल्कि प्री के दृष्टिकोण से भी। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल आपका एक पूछा जाता है कि अभियुक्त का जो बुरा शील होता है वो किन परिस्थितियों में सुसंगत होता है। तो आमतौर पे अगर अभियुक्त ये कहता है कि मेरा कंडक्ट बहुत अच्छा है, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, या आमतौर पे जिस केस को लेके ट्रायल कंडक्ट हो रहा है वो उसके कैरेक्टर को लेकर ही है, यानी कि उसका जो कैरेक्टर है वही फैक्ट इन इशू है, या ऑलरेडी अगर पहले कभी वो कन्विक्ट किया जा चुका है, तो ये कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां पर अभियुक्त का जो बुरा शील होता है वो आपका सुसंगत होता है। वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट कई मौकों पर ये भी कहता है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड इज नॉट रिलेवेंट, लेकिन उसके भी कुछ अपवाद हैं, और उन्हीं अपवादों का जिक्र आपको इस सवाल के अंदर अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम स्वीकृति के संदर्भ में असत्य कथन की बात करते हैं तो स्वीकृति का मतलब क्या होता है? क्या स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों की निश्चायक सबूत नहीं है? बिल्कुल है। स्वीकृति विबंध कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। स्वीकृति तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं है। आमतौर पे जो चीज आप एडमिट कर चुके हैं उसको लेके आमतौर पे कोर्ट भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती है, लेकिन वादी द्वारा की गई स्वीकृति सहवादी के विरुद्ध भी सुसंगत होती है ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि आमतौर पे जब आप उसके नहीं सगे हुए तो आप कोर्ट के क्या सगे होंगे, इस बात को लेके कई बार विवाद पैदा हुआ है। तो आमतौर पे आपका स्टेटमेंट आपके लिए रिलेवेंट होगा, आपके स्टेटमेंट के आधार पे उसके खिलाफ भी जांच हो सकती है, लेकिन सिर्फ आपके स्टेटमेंट के आधार पे उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए आपको कोलैबोरेशन की जरूरत भी पड़ती है। उसके बाद जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दस्तावेजों की बात करते हैं तो आमतौर पे जो भी दस्तावेज कोर्ट के अंदर पेश किए जाते हैं यूजुअली वो प्राइमरी और द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से ही पेश किए जाते हैं। परंपरा तो वैसे ये है कि आप प्राथमिक साक्ष्य के माध्यम से ही पेश करिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर चाह कर भी आप प्राथमिक साक्ष्य पेश नहीं कर सकते हैं तो उन परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य की इजाजत भी आपको कोर्ट के द्वारा दी गई है, और इसका जिक्र भी आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जो देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत क्या कहलाएगा, क्या वो प्राइमरी कहलाएगा या द्वितीयक कहलाएगा, तो वो आपका द्वितीयक साक्ष्य ही कहलाता है। उसके बाद आपका एक केस और आता है जो है आपका खूजी कुत्ते की विश्वसनीयता के संदर्भ में। तो आमतौर पर ये ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया बाबू मकबूल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, यानी कि बाबू मकबूल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के अंदर आमतौर पे जो स्नीफर्स डॉग्स होते हैं उनकी एविडेंट्री वैल्यू के संदर्भ में कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस को दिया गया, और उसी गाइडलाइंस को डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा फॉलो भी समय समय पर किया जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं परिवादी कथित अपराध के संबंध में तुरंत परिवाद किया, उस परिवाद में कथन सुसंगत होगा, तो ये देखा जाता है कि मृत्यु होने के पश्चात मृत्युकालिक कथन के रूप में है या संपोषक साक्ष्य के रूप में है, या अगर वो जीवित बच गया या वो आचरण के साक्ष्य के रूप में है, तो आमतौर पे जो आचरण का जो आपका साक्ष्य रूप होता है वही आपका सुसंगत होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत किया गया अभिकृत किया जाता है, तो इस तथ्य को साबित किया जाना है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का ही इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। यह नियम सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पर लागू नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आमतौर पर ऑलरेडी उसका सर्टिफिकेट ग्रांट हो चुका है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से उसको सर्टिफिकेट भी इशू किया जा चुका है, तो अब आप उसके ऊपर एक प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद एक सवाल आपका निकल कर और आता है कि क को ख उपाधि कारित करता है और धमकी देता है कि उसे जान से भी मार देगा,
का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराता है और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। एफआईआर में की गई अंतर्वस्तु मानी जाएगी आपका मृत्युकालिक कथन, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। तो आमतौर पे जब किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु का एहसास होता है या कोई ऐसा एक्ट या कंडक्ट उसके अगेंस्ट कमिट किया गया है और उसके बाद वो अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराता है और ठीक उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो हम ये देखते हैं कि मृत्यु से पहले उसने क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट अपने नियर और डियर वंस को दिया था जो कहीं ना कहीं उसकी जान के ऊपर एक खतरे को आशंकित करती है, और अगर ऐसा दिया था तो आमतौर पे उसको डाइंग डिक्लेरेशन ही माना जाता है। उसके बाद जो आपके सूचक प्रश्न होते हैं वो आपके प्रतिपक्षा में भी पूछे जाते हैं, वो आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, और वो आपके मुख्य परीक्षा एवं पुनः परीक्षा में भी पूछे जाते हैं बशर्ते न्यायालय उनकी इजाजत आपको दे देता है। तो आमतौर पे जो सूचक प्रश्न होते हैं ये इन सभी परिस्थितियों में पूछे जा सकते हैं। यूजुअली यहाँ पर परंपरा तो ये है कि अपोजिट पार्टी का बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंटरफेरेंस ना हो या वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेस इन परिस्थितियों में ना करता हो। उसके बाद अगला सवाल जो है वो आपसे ये पूछता है कि न्यायालय द्वारा साक्षी से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की प्रति परीक्षा कोई पक्षकार कब कर सकता है। ये उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है जब स्वयं न्यायालय इस बात की इजाजत दे दे। अगर न्यायालय इस बात की इजाजत नहीं देता है तो आप किसी भी ऐसे प्रोसीजर को आप चाह कर भी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है वो बात करता है विधि द्वारा अपेक्षित अनुप्रमाणित दस्तावेज को निष्पादन साबित किया जाना आवश्यक है। तो आमतौर पे परंपरा ये कहती है कि कम से कम एक अनुप्रमाणित साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक होता है अगर वो जीवित है और अगर वो साक्ष्य देने के लिए समर्थ है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि अगर वो जीवित नहीं है या साक्ष्य देने के लिए समर्थ नहीं है तो आमतौर पे जो आपका दस्तावेज ऑलरेडी प्रमाणित किया जा चुका था उसकी रिलेवेंसी नहीं होगी। फिर हम अदर सर्कमस्टांसेस और अदर परिस्थितियों को हम देखते हैं और उसके बाद इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि अब आगे क्या करना है। उसके बाद जब कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे पेश करने की सूचना मिल चुकी है, तत्पश्चात वह उस दस्तावेज को साक्ष्य रूप में उपयोग में ला सकता है दूसरा पक्षकार द्वारा सम्मति देने पर या न्यायालय का आदेश प्राप्त कर लेने पर और उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। तो आमतौर पर परंपरा ये है कि जब कभी भी किसी भी क्रिमिनल केस का कोई ट्रायल कंडक्ट होता है और अगर पिटिशनर ये कहता है कि हुजूर फला फला डॉक्यूमेंट्स अपोजिट पार्टी के पोजीशन में है और आप अपोजिट पार्टी को आदेश पारित करिए कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करें, और अगर अपोजिट पार्टी कोर्ट के आदेश के बाद भी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करती है और इन फ्यूचर वो उस डॉक्यूमेंट्स को पेश करना चाहती है तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन पिटिशनर की तरफ से ही रेज किया जाएगा कि हुजूर जब आपने इसको कहा था तब इसने नहीं किया और अब ये किस हक से उन दस्तावेज को कोर्ट के अंदर पेश करने की इजाजत आपसे मांग रहा है। तो आमतौर पर जो पिटिशनर है उसकी भी सम्मति का होना जरूरी है और उससे भी ऊपर जो न्यायालय है वो एक आदेश पारित करेगा कि क्या अब उस डॉक्यूमेंट्स का इंटरटेनमेंट इस लॉ के अंदर आवश्यक है या नहीं। उसके बाद जब हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं तो वृत्तिक संसूचना निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है, तो जो दुभाषिया होते हैं इनको प्रोटेक्शन है, जो वकील के लिपिक होते हैं सेवक होते हैं इनको प्रोटेक्शन है क्योंकि ये एक प्रकार के प्रिविलेज कम्युनिकेशन के दायरे में आते हैं, कॉन्फिडेंशियल्स के दायरे में आते हैं, लेकिन जो वकील की पत्नी है उसके ऊपर आपकी ये धारा या ये विचारधारा या ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद अगर हम विबंध की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों के ऊपर ही लागू होता है, इसका आपराधिक से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिजम्पशन क्या बात करता है, 113 ए क्या बात करता है, 113 बी बात क्या करता है, 114 ए क्या कहता है और 114 ए क्या या 114 क्या कहता है। आमतौर पे यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो इनके अंदर जो शब्द समाहित है, जैसे मे वर्ड यूज किया जाता है 113 ए में, 113 बी अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखेंगे तो वहां पर शैल वर्ड का यूज किया गया है, फिर प्रिजम्पशन वर्ड का यूज किया गया है, तो आमतौर पे ऐसे युग्म से संबंधित भी सवाल आपसे
पूछे जाते हैं। तो जब हम अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करते हैं किसी विवाहित महिला के द्वारा, वो भी विवाह के 7 वर्ष के अंदर अंदर, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो धारा 113 का यानी कि 113A के दायरे में आता है। उसके बाद जब हम डाउरी डेथ की बात करते हैं तो इसका जिक्र आपको 113B के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम 114 की बात करते हैं तो ये आम तौर पे बात करता है कंसेंट के ना होने की। तो यानी कि अगर विक्टिम ने कोर्ट के सामने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा था एट दैट टाइम आई वॉज नॉट द कंसेंटिंग पार्टी, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ड्रॉन कर लेती है कि एट दैट टाइम दैट लेडी शी वॉज नॉट अ कंसेंटिंग पार्टी, और ये प्रावधान आपको 114 के ए में देखने को मिलता है। और जो तथ्य की उपधारणा है यानी कि जो प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो आपको धारा 114 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम 5 वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में न्यायालय के प्रेजम्पशन की बात करते हैं तो आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संदर्भ में भी ये बात करता है, और वहाँ पर यह भी देखा जाता है कि वो किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, और ये दोनों की दोनों उपधारणाएं अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल यथोचित हैं। उसके बाद अगर हम साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं और प्राण न्याय सुसंगत है या नहीं इसका जिक्र किस धारा में किया गया है, तो ये धारा 40 में आपको इसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अ शाशय शूटिंग द्वारा बी की मृत्यु के कारण हत्या के लिए विचारित है, यह तथ्य कि अ लोगों पर उनकी हत्या के आशय से शूटिंग करने का अभ्यासी था, ये आपका विसंगत है। आमतौर पे इस बात को लेके आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखने की जरूरत है। इसके अलावा आमतौर पे ये भी एक सवाल आपसे पूछा गया है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उस व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जिसके द्वारा वह किया गया तात्पारित है न्यायालय, तो यहाँ पर भी आमतौर पे जो प्रमाणकर्ता अथॉरिटी है उसका सर्टिफिकेट होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये प्रमाणित करता है कि हाँ जी ये डिजिटल सिग्नेचर इसी व्यक्ति का है। और इसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के हस्ताक्षर के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पे ये सुसंगत उन्हीं परिस्थितियों में होता है जब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के द्वारा आमतौर पे आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आमतौर पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है यानी कि डिजिटल सिग्नेचर्स है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और कम से कम जो प्रेजम्पशन की बात करते हैं या कुछ ऐसे फैक्ट जो कहीं ना कहीं कोर्ट के इन्फ्लुएंस को एक नई दिशा में ड्रॉन करने की कोशिश करते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज के लिए हम लोग अपने सफर को यहीं पर रखते हैं, फिर आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी जहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के और कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।